तो सभी को आदरणीय मीडिया बंधुओं, मेरा नाम गुलतान सिंह, भारतीय किसान संघ प्रांत मंत्री के नाते मेरे पास जिम्मेवारी है। और भारतीय किसान संघ एक ऐसा संगठन है जो विवाद से समाध की तरफ जाता है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों की बिल्कुल पुरजोर, एक तो वैसे होता है नॉर्मली पुरजोर अनदेखी कर रहे हैं। किसानों ने हरियाणा सरकार को क्या नहीं दिया, किसानों ने चाहे पराली जलाने की जलाने से रोकने की बात है, चाहे गांव को जगमग करने की बात है, 12 मीटर लगवाने की बात है, या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण करवाने की बात है, जो भी सरकार की गाइडलाइन किसानों के लिए रही है तो वो फॉलो किया किसानों ने, क्योंकि हरियाणा का किसान एक जागरूक किसान है और सहनशील किसान है और शिष्टाचारी किसान है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हो और किसान सरकार का भी विरोध कर रहे हो, लेकिन भारतीय किसान संघ ने कभी भी ऐसी प्रवृत्ति को नहीं अपनाया। लेकिन आज किसान की सुद लेने वाला कोई नहीं है, किसके माध्यम से लाभ मिलना है किसान को, जो कृषि अधिकारी बैठे हैं, कृषि अधिकारियों के माध्यम से लाभ मिलना है। लेकिन इस गुंगी बैरी सरकार का ना तो प्रशासन इसके काबू में और ना अपनी व्यवस्था काबू में, क्योंकि प्रशासन जो एग्रीकल्चर विभाग ने किसानों के लिए काम करना है, खुद कैथल के डीडीए को यह नहीं पता कि आपके एडीओ कितने हैं, आपके एडीओ कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, कब उनकी हाजिरी लगी। और हमने मुख्यमंत्री जी को विषय दिया कि मुख्यमंत्री जी गांव सत्र पर एग्रीकल्चर के डॉक्टरों को बिठाया जाए, मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं हमारी हामी भरी कि ब्लॉक लेवल पे संभव हो सकता है, लेकिन हम उस पर एग्री नहीं हुए। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया चलो देखते हैं और करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि मुख्य सचिव हरियाणा मुख्यमंत्री जी के पास में बैठे और वो ये कह रहे हैं कि इतने हमारे पास अधिकारी नहीं है एग्रीकल्चर विभाग में कि हम गांव सत्र पर बिठा दें। तो मैंने ये डाटा निकाला और इस डाटा से निकलवाया कि पूरे हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण सत्र पर काम करने वाले हैं वो 1067 कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं। क्या ये किसान को पता होना चाहिए, उस मुख्य सचिव हरियाणा को नहीं पता होना चाहिए, लेकिन उसको इस चीज की जानकारी नहीं है। मुझे लगता है जो 1067 ऑफिसर्स बनते हैं और